बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसे सिंपली BMI कहते हैं, तो इसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड की थी कि BMI कैलकुलेशन की वीडियो बना लें, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए बना ली। BMI कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि BMI होती क्या है और हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखो, BMI जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, कि जब किसी पर्सन के बॉडी में हमने फैट्स की मास को मेजर करना हो उसके हाइट और वेट के लिहाज से, तो इसे कहते हैं BMI। और इसी BMI भी एक फैक्टर है जिसके थ्रू आप ये जो है वो फाइनल करते हैं कि ये पर्सन मेरे पास अंडरवेट है या ओवरवेट है या ओबेस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन और इसके बारे में बात, फिर मैं रेंज का बताऊंगा कि आपके पास अंडरवेट होगा तो उसकी BMI कितनी होगी, नॉर्मल के लिए और ओबेस के लिए BMI कितनी होती है। तो अब हम स्टार्ट इसको कैलकुलेट करते हैं कि BMI किस तरह कैलकुलेट होती है। BMI कैलकुलेशन के लिए दो मेन फार्मूले यूज होते हैं, दोनों को भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास यूज होता है तो वो क्या है। फर्स्ट फार्मूला BMI मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो यूज होता है वो यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ। वो हमारे पास एक है वेट, लेकिन वेट जो आपके पास है इसको आप किस चीज में लेंगे, वेट को आप लेंगे किलोग्राम में। किसी पर्सन की BMI जब आप मालूम करते हैं तो उसका वेट आप किलोग्राम में लेंगे, डिवाइड करेंगे उसके हाइट पे, लेकिन हाइट आप किस चीज में लेंगे, मीटर में लेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला BMI मेजर करने के लिए ये है। अब मैं इसके एग्जांपल इसके एक हल करता हूं। मैं अपना वेट लेता हूं तो मेरा अपने लिए जो मैं BMI मालूम करता हूं तो मेरा वेट क्या है, मेरे अभी जो वेट है वो है 65 kg। मेरा वेट 65 kg है, लेकिन मेरी जो हाइट है वो क्या है, 5 feet and 5 inches। तो देखो यहाँ पे तो हाइट फीट में है और अक्सर स्टूडेंट की हाइट भी वो फीट में होती है, तो उसको हम मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये हल करने के लिए फिर आपको कन्वर्जन का आना चाहिए, कि कन्वर्जन का आपको पता हो, जिसकी मेरे चैनल पे वीडियो है तो वहीं से जाके आप कन्वर्जन वीडियो देख ले, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कन्वर्जन ऐसा है कि हमारे पास 1 meter जो है वो बराबर होता है 3.28 feet के। 1 meter हमारे पास 3.28 फीट के बराबर होता है, तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर पास आती है 1.65। ये क्या है, ये मीटर में मेरी हाइट है। तो मेरी हाइट मीटर में किस तरह आ गई, 1.65 से आ गई, और वो कन्वर्जन के थ्रू, के 1 meter बराबर था किस चीज के, 3.28 फीट के बराबर था। सही, अच्छा ये बात हो गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू तो ये है कि वेट केजी में होना चाहिए और हाइट किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो इसको जब मैं ऊपर के फार्मूले पे पुट करूंगा तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि वेट 65 kg, यहाँ पे मैं BMI इज इक्वल टू वेट 65 kg, हाइट हमारे पास 1.65 आता है, इसकी ऊपर स्क्वायर है। तो इससे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो है आंसर क्या आता है, आंसर आता है 23.79। तो ये मेरी क्या है, ये BMI है जो कि मैंने मेजर कर ली। किस फार्मूले पे, इस फार्मूले के बेस पे जो मैंने BMI मेजर कर ली तो वो मेरी ये आती है। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया BMI मेजर करने के लिए। इसका दूसरा फार्मूला जो हमारे पास BMI के लिए यूज होता है, तो उसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके देता हूं ताकि उसको भी फिर जो आपको इजी लगे उसके थ्रू जो है आप BMI फॉलो किया करें। दूसरा फार्मूला जो BMI के लिए यूज होता है तो वो हमारे पास ये है कि 703 मल्टीप्लाई बाई वेट, लेकिन वेट को आप किस चीज में लेंगे, वेट को आप लेंगे पाउंड में। इस फार्मूले में वेट आप पाउंड में लेंगे, डिवाइडेड बाई हाइट, लेकिन हाइट को आप किस चीज में लेंगे, इंचेस में लेंगे, हाइट को आप इंचेस में लेंगे और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है।
सही है, ये सेकंड फार्मूला है कि 703 को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ, लेकिन वेट होगा पाउंड में, और उसको फिर डिवाइड करते हैं आपकी जितनी हाइट है, आपकी जितनी हाइट है उसको आप इंचीज में लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं आपकी बीएमआई आ जाती है। तो इसमें दो कन्वर्जन हमारे पास फिर यूज होते हैं। फर्स्ट आप आल क्या है वेट का, कि वेट इन्होंने किस चीज में मांगा है, इसने पाउंड में मांगा है वेट को, जिसे आई बी के साथ हम डिनोट करते हैं एस मल्टीपल, इसके जो है पूर रहे हैं। तो इसको किस तरह करेंगे कि हमारे पास 1 केजी, ये कन्वर्जन है कि 1 केजी इक्वल है 2.2 पाउंड की, 1 केजी 2.2 पाउंड के बराबर है। मैं अपने लिए बीएमआई मेजर करता हूं, मेरी वेट क्या है 65 केजी है, तो 65 केजी हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, कितने पाउंड के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे मैं जो क्या करता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर ले, तो इससे मेरे पास आंसर क्या आता है, इससे मेरे पास पाउंड में जो मेरा वेट है वो आता है, वो आता है 143 पाउंड, के मेरा वेट जो केजी में 65 था, 65 केजी था, तो जब आप उसको पाउंड में कन्वर्ट कर ले तो वो 143 पाउंड आता है। ये तो हमने मालूम कर लिया वेट के लिए कन्वर्जन कर ले। दूसरी हमारे पास किस चीज की कन्वर्जन है, दूसरी हमारे पास हाइट के लिए है, कि देखो हाइट तो फीट में होता है, तो मेरी जो अपनी हाइट है तो वो कितनी है, मेरी अपनी हाइट है 5 feet और 5 inches, मेरी अपनी हाइट 5 feet 5 inches है, तो 1 feet किसके बराबर, कितने इंचेस के बराबर होते हैं, 1 foot जो हमारे पास है वो बराबर होता है 12 inches की, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये तो इजी है, 1 foot 5 12 inches के बराबर है, यहाँ पे 5 feet है ना मेरी हाइट, तो इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आगे 12 मल्टीप्लाई बाई 5, इससे मेरे पास आ जाता है 60, इसके साथ प्लस करेंगे ये इंचेस, तो मेरी जो इंचेस में हाइट है वो बन जाती है 65 inches हाइट। तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपने हाइट को कन्वर्ट कर लिया किस चीज में, इंचेस में, ये आपकी हाइट आ गई इंचेस में, आपकी अपनी हाइट होगी वो आप अपने हिसाब से मेजर करेंगे। तो ये मेरे दो रिक्वायरमेंट थे, देखो एक मेरे पास हाइट की जरूरत थी इंचेस में, दूसरी मेरे पास क्या ये एक रिक्वायरमेंट, दूसरी ये मेरे पास रिक्वायरमेंट थी कि वेट मेरे पास पाउंड में होगा, जो कि 143 आ गया है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं ये ऊपर फॉर्मूले में, तो 703 मल्टीप्लाई बाई वेट को हमने पाउंड में ले लिया, तो ये हमारे पास बन जाता है 143 डिवाइडेड बाई, ये हम बीएमआई मालूम कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख लूं, सही है, ये डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट हमारे पास इंचेस में 65 था, तो 65 का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है, तो इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 23.79। ये मेरी बीएमआई जो मैंने अपने लिए मालूम कर ली, मेजर कर ली, तो देखो इस फार्मूले का भी मेरे पास आंसर 23.79 आता है, और जो पिछले फार्मूले से हमने किया था उसका भी यही आंसर आता है। तो आप अपनी इजी होने के लिए आप जो भी फार्मूला यूज करें दोनों का आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब लास्ट का जो मेरा चीज है वो मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल बीएमआई कितनी होगी, ओबेस पर्सन के लिए कितनी होगी बीएमआई, और हमारे पास जो अंडरवेट है उसके लिए कितनी होगी, कि अगर किसी पर्सन की बीएमआई आ जाती है 18.5 से लेके 24.9 तक, अगर किसकी बीएमआई इस रेंज में आती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन मेरे पास नॉर्मल है ना, ये पर्सन की बीएमआई जो क्या है, ये पर्सन की बीएमआई हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी पर्सन की बीएमआई 18.5 से कम आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पर्सन मेरे पास अंडर वेट है, ये पर्सन अंडर वेट है, सही। इसके बाद अगर किसी पर्सन की बीएमआई 25 से लेके 29.5
25 से लेके अगर किसी पर्सन की 29.9 तक आ जाती है तो ये पर्सन मेरे हमारे साथ क्या होता था, क्योंकि 25 तक तो ये पर्सन नॉर्मल में आते हैं, लेकिन 25 से लेके 29.9 तक जब आपकी किसी पर्सन की BMI आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन क्या है, वो पर्सन हमारे पास ओवर, वो पर्सन हमारे पास ओवर वेट है, कि ओवर वेट पर्सन की जो हमारे पास BMI होगी वो 25% से ज्यादा होगी, 25 से लेके 29 इससे ज्यादा होगी। अच्छा, अब एक पर्सन की अगर BMI क्या है कि उसकी BMI यहाँ पे मैं लिख लूँ कि अगर एक पर्सन की हमारे पास BMI 30 या 30 से उसकी BMI above है तो वो पर्सन हमारे पास फिर क्या कहलाता है, फिर ओबेस पर्सन कहलाता है। तो ये जो मैंने आपको अभी रेंज लिख लिया नॉर्मल अंडरवेट ओवरवेट ओबेस, ये आप एमसीक्यूज के लिए आ जाते हैं, इससे आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। और अभी जब आप किसी पर्सन की BMI मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं दो फार्मूले के थ्रू और उसकी BMI आपके पास 30 या 30 से अबव आती है तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन ओबेस है। हाँ, एक कुछ बुक्स में ये लिखा है कि अगर किसी पर्सन की हमारे पास BMI 40 या 40 से अबव आती है तो फिर वो मॉर्बिडिटी ओबेस कहलाता है। मॉर्बिडिटी ओबेस के ये वेट फिर जानलेवा होता है, इसके साथ फिर उसको डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। तो आज की वीडियो में BMI क्या होती है, इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और इसका रेंज क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो थी। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस जगह से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप नीचे कमेंट में अपना नेम और अपनी जगह या कॉलेज का नेम कमेंट कर लें और सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।